मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। रविवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में गुलाब और कार्ड लिए उन्हें गेट वेलकम कहने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें शिवराज सिंह चौहान के बंगले से कुछ दूर पहले ही रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेसियों में झड़प हो उठी। उनके साथ के सभी कार्यकर्ता करीब 500 के आसपास थे। सभी लोग यहाँ प्रदर्शन करने शिवराज ने सागर में प्रदर्शन के दौरान सीएम कमलनाथ के खिलाफ बयान दिया था। शिवराज ने अपने बयान में कहा कि जब वे इंदिरा गांधी से नहीं रहे तो कमलनाथ किस खेत की मूली है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के पास एकत्रित हुए, फिर भाजपा की पूर्व सरकार और शिवराज के खिलाफ नारे लगाते हुए उनके बंगले की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेसियों का कहना है कि शिवराज बीमार है जो ऐसे अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, इसीलिए उन्हें गेटवेलसन का कार्ड और गुलाब देकर जल्दी ठीक हो जाने कहने जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देख सुबह से ही पूर्व सीएम के बंगले के आसपास पुलिस तैनात कर दी गई थी। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, SCN न्यूज़ इंडिया।